अब देखो फंक्शन क्या होता है फंक्शन इज नथिंग बट रूल विच कनेक्ट्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम सेट ए टू एन एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम सेट बी तो फंक्शन भी एक तरह की रिलेशन ही है रिलेशन में हमने यही तो सीखा था कि कैसे एक ए सेट को हम बी सेट से रिलेट कर सकते हैं तो दैट इज What was. अब में क्या हो जाएगा ना स्पेसिफिकली पूछेगा ये चीजें दो आपको बहुत ध्यान से रखनी है एलिमेंट ऑफ अ नॉन एमटी सेट बी रिलेशन में ये डेफिनेशन नहीं होती थी कभी भी किसी भी एलिमेंट को किसी से भी रिलेट कर सकते थे बस हमें ये देखना होता था कि रिलेशन उस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए थी कि किस तरह से रिलेट हो रहे हैं बट फंक्शन तब होगा जब सारे ही एलिमेंट ए के किसी एक यूनिक एलिमेंट को मैप होंगे इन बी ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है अब जैसे यहाँ पे आप देखो दो हमने सेट बना रखे हैं एक ए सेट है विच इज हैविंग सम वैल्यूज लाइक ए बी सी डी ई एक बी सेट है अब हमने कर रखा है कि ए की मैपिंग एफ से बी की जी से सी की आई से डी की एच से और एक ई e यहाँ पे छूट गया है जो, जो किसी से कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि तो फंक्शन में हमने क्या बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज टू बी कनेक्टेड तो ये पहली कंडीशन में ही फॉल्स हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में एलिमेंट बच गया तो मतलब ये फंक्शन नहीं है ठीक दूसरी चीज क्या बोल रहा था कि इट इज मैपिंग टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B यहाँ पे अब आप देखो तो ये फंक्शन है सारे यूनिक एलिमेंट मैप हो गए बी से ये फंक्शन है इस केस में देखो तो आप देख रहे हो एबीसी मैप हो रहा है ई एफ जी से यहाँ पे सी की दो मैपिंग जा रही है एक एफ है और एक जी है सी जो है एक एफ से मैप हो रहा है और एक जी से मैप हो रहा है क्योंकि ये दो से मैप हो रहा है दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन ठीक है इस केस में ये फंक्शन नहीं रह जाएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं ये वाला केस लेते हैं इस केस में क्या हो रहा है ए बी मैप हो रहा है एफ से ये चलेगा दो की एक से मैपिंग हो सकती है ये वाला केस चल जाता है दो ए के एक बी से मैप हो रहे हैं दिस इज फाइन क्योंकि दोनों की एक यूनिक इमेज है विच इज एफ ये नहीं हो सकता कि सी की दो इमेज बन जाए एक एफ और एक जी तो ये फंक्शन नहीं रहेगा ठीक है थीके? इस केस में क्या हुआ ए बी की एफ से सी की आई की आई से डी के जे से तो इट इज अ फंक्शन ठीक फिर हम आगे बढ़ते हैं ये मैं समझ में आ गया कि फंक्शन में जो होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए पहला कंडीशन दूसरा यूनिक इमेज इन सेट बी तब ये जाके मेरा फंक्शन बनेगा अब फंक्शन की कुछ हमने टर्मोलॉजी लास्ट ईयर भी सीखी थी इस बार भी रिवाइज कर लेते हैं जैसे ये एक ए सेट है एक बी सेट है ये आपस में रिलेटेड है तो मतलब एक फंक्शन से रिलेटेड है अब क्या होगा वन टू थ्री फोर जो है वो कनेक्टेड है फंक्शन हमने ले रखा y equal to x square. X square function है y तो है ठीक तो टू फोर से रिलेटेड है थ्री नाइन से रिलेटेड है, है तो अब जो वन ये वन से रिलेट हुआ ये होगा इमेज ऑफ वन ये फोर हो जाएगा इमेज ऑफ टू नाइन हो जाएगा इमेज ऑफ थ्री और ये होगा प्री इमेज ऑफ वन ये होगा प्री इमेज ऑफ टू ठीक फिर उसके बाद जो ये पूरा सेट है इस पूरे सेट को मैं कोडोमेन बोलूंगा और वो सेट में से वो वैल्यूज जो ए से लिंक हो रही है डायरेक्टली विच इज वन नाइन वो हो जाएगी मेरी रेंज एक्स की सारी वैल्यूज मेरी हो जाएंगी डोमेन हमने पिछले साल सीखा था ना एक्स की वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है और वाई की जो वैल्यूज होती है वो रेंज होती है एक्स की वैल्यू डोमेन होती है वाई की वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है तो अब हम रेंज और को डोमेन को और डिफाइन कर रहे हैं की की सारी वैल्यूज वैल्यूज वो जो उस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है वो मेरी रेंज होगी ठीक है ये समझ में आ गया ऐसा भी कंडीशन होगा जब रेंज और को डोमेन सेम हो जाए बट ऐसा भी कंडीशन होगा कि रेंज इज सबसेट ऑफ अ कोडोमेन जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं रेंज जो है वो सबसेट ऑफ एक बड़ा uh, वो था उसका सबसेट है तो रेंज इज फंक्शन ऑफ कोडोमेन ये भी हो सकता है और रेंज इक्वल टू भी हो सकता है अब हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं फंक्शन क्या है हमने समझ लिया कब बनता है समझ लिया अब फंक्शन किस किस टाइप का होता है ये समझते हैं तो फर्स्ट टाइप होता है वन वन और मैनी वन फंक्शन वन वन और मैनी वन आप एक सिक्के के दो पहलू समझो एक एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ तो या तो फंक्शन वन वन होगा या फंक्शन में नहीं बनोगा दोनों एक साथ नहीं हो सकता ठीक है वन वन फंक्शन से हम क्या समझते हैं वन वन एज द नेम सजेस्ट कि एक एलिमेंट ऑफ एक्स एक एलिमेंट ऑफ वाई से ही मैप हो एक एलिमेंट ऑफ एक्स एक ही एलिमेंट ऑफ वाई से ही मैप हो अगर ऐसा केस होता है तो वो फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन हो जाता है ठीक है वन एलिमेंट ऑफ ए इज गेटिंग मैप टू वन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी

बहुत सारी वैल्यूज डाल दी अब देखो वन की मैपिंग टू से हो जाएगी मतलब क्या करोगे वाई एक्स प्लस वन है तो जब वाई एक्स वन वन फंक्शन आ रहा है वन एलिमेंट ऑफ ए इज गेटिंग मैप टू वन एलिमेंट ऑफ बी तो मेरा वन वन फंक्शन होता है अब वन वन फंक्शन को हर बार बना के तो देख नहीं सकते तो वॉट वी विल डू इज देर इज अ टू चेक कि फंक्शन वन वन है कि नहीं तो वो मेथड क्या है वो देख लेते हैं कोई सा भी फंक्शन दिया हो एफ में आप बोल दो एफ को एफ के इक्वल ले लो लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स एंड पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ और उसको सॉल्व करो अगर सॉल्व करने पे x इक्वल टू वाई आ जाए x इक्वल टू वाई आ जाए तो वो फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन हो जाएगा मतलब एक x के लिए एक ही y की वैल्यू है तो वन फंक्शन हो जाएगा ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल और अब देखो होता क्या मैनी वन भी पहले समझ लो तो ये अच्छे से रिलेट कर पाओगे मैनी वन में क्या हो जाता है कि दो भी एक से कनेक्ट हो सकते हैं दो वैल्यू ऑफ एक्स भी एक वाई से कनेक्ट हो सकती है फंक्शन तो है सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हो हाँ हो रहे हैं दोनों ए बी की एक यूनिक इमेज है हाँ एक यूनिक इमेज है तो ये फंक्शन है बट जब भी एक्स के दो या दो से ज्यादा ए की वैल्यू ऑफ वाई से कनेक्ट हो रहे हो

अब प्रूफ कैसे करना है वन वन फंक्शन को तो देख मेथड टू प्रूव इट हम क्या करेंगे हम आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स वाई ले लेंगे और बोलेंगे फिर उनको सॉल्व कर देंगे और देखेंगे कि एक एक्स के लिए एक ही वाई की वैल्यू है कि एक से ज्यादा वैल्यू है अगर एक से ज्यादा वैल्यू है इन दैट केस द फंक्शन विल बिकम अ मैनी वन फंक्शन और यू कैन से इन दैट केस द फंक्शन विल नॉट बी अ वन वन फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन है अगर हेड नहीं आया तो टेल आया वैसा है ठीक अब जैसे सॉल्व कैसे करोगे प्लस फाइव आप बोल दो जगह वाई डालय प्लस अब आप बोल सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ गया या वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स कुछ भी बोल दो अब अगर एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई पॉसिबल है तो ये जो फंक्शन है वो वन वन नहीं है

अब अगर x सिर्फ इक्वल टू y है दैट मीन्स इट इज अ वन फंक्शन अब नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट इधर वन वन मैनी वन एक सिक्का है उसके दो पहलू हैं। अब ऑन टू और इंटू दूसरा सिक्का उसके दो पहलू हैं। ठीक है दिस टू आर टोटली डिफरेंट ये नहीं मतलब जो वन वन मैनी वन आप एक साथ देख सकते हो और ऑन टू और इंटू को आपको एक दूसरे लेंस के साथ देखना पड़ता है ठीक है ऐसा हो सकता है और होगा ही फंक्शन वन वन और मैनी वन में से कुछ एक है और ऑन टू और इन टू में से कुछ एक है सो आई टाइम थ्रेस की हो सकता है फंक्शन निकल क्या है वन वन ऑन टू हो सकता है निकल गया है वन वन इंटू हो सकता है निकल के आए मैनी वन ऑन टू मैनी वन इन टू तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है आउट ऑफ दिस फोर बट अगर फंक्शन मेरा वन ऑन टू और वन वन हो जाता है तो उस केस में मैं बोलता हूँ वो फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्शन बोलते हैं और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन अभी मिलेंगे वो मैं दिखाता हूँ अब पहले समझो ऑन टू क्या होता है ऑन टू में क्या होगा कि अगर मेरा ए की सारी वैल्यू बी के सारे वैल्यू को मैप कर दे तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा अगर मेरी ए की सारी वैल्यूज बी के सारे वैल्यूज से मैप हो जाए कोई भी वैल्यू ना बचे वो फंक्शन ऑन टू होता है इन दैट केस सेट फंक्शन बिकम्स ऑन टू यहाँ पे जो फंक्शन तुम देख रहे हो ये यह अभी यहाँ पे क्या हुआ आय बच गया तो ये फंक्शन तो है बट ऑन टू नहीं है और अगर ऑन टू नहीं है मतलब ये इन टू फंक्शन है मैंने तुम्हें बताया ना कि जैसे मैनी वन है अगर one -one नहीं है तो many -one है तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है अगर ऑन टू नहीं है तो इन टू है ऑन टू कैसे पता चलेगा अगर कोई भी वैल्यू बच जाए बी सेट में तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है ठीक अब इसके आगे बढ़ते हैं सर जी मैम बोलो ऑन टू तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई भी एलिमेंट बच गया तो वो ऑन टू हो जाएगा जैसे अब ये वाला जो अगर मैं आए हटा दूं तो ये वाला जो हो गया ये वन वन ऑन टू हो गया फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ये वाला इसमें क्या है दो एलिमेंट एक से कनेक्टेड है फंक्शन है सेटिस्फाई है, कर रहा है और मैनी वन है और ऑन टू है तो दिस इज अ मैनी वन ऑन टू फंक्शन ठीक है इस वाले केस में ये क्या हो रहा है क्योंकि आए आ गया तो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन ये वाले केस में क्या हो रहा है ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि सी की दो से रिलेशनशिप है तो फंक्शन ही नहीं होगा ये वाला केस देखो ये वन ऑन टू फंक्शन है ऑन टू है क्योंकि सारी खत्म हो गई वैल्यूज बी की मैप हो गई ये से और क्योंकि दो से हो रही है तो हम इसको मैनी वन भी कहेंगे अब फंक्शन अगर ऑन टू नहीं होता तो इन होता है तो इन में तो ज्यादा दिमाग खपाना नहीं अब ऑन टू कैसे प्रूव करें ठीक है uh, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है फिर क्या करेंगे सॉल्व टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स जैसे अपन इनवर्स में लास्ट ईयर नहीं करते थे रिलेशन अपना ये फंक्शंस में आया था एफ इनवर्स निकालना होता था तो हम क्या करते थे हम एक्स को वाई लेते ले थे फंक्शन को जो एक्स में होता था और फिर एक्स की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ वाई और फिर अगर वो वैल्यू वैलिड हो रही है हमेशा तो हम कहते थे कि ये हो गया फंक्शन का इनवर्स ठीक है अब इस केस में क्या करना है हमें सेम चीज करनी है एफ एक्स इज टू वाई लेना है फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई के टर्म्स में और अगर वो वाई की वैल्यू डिफाइंड है फॉर फॉर ऑल ऑल वैल्यूज वैल्यूज इफ इज डिफाइंड दैट वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और फिर y की जगह x डाल देना वो मेरा फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इसको इसमें देखो, दिया वन और हमें दिया क्या हुआ था इसमें रेंज देखनी बहुत जरूरी है आठ टू आठ अब यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे डिफाइंड रहेगा कोई भी रियल नंबर ले लो क्यूब रूट तो नेगेटिव का भी होता है पॉजिटिव का भी होता है तो दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज हेंस दिस इज ऑन टू फंक्शन हमसे बस पूछा इतना जाएगा कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं ऑन टू है प्रूव करने के लिए बस इतना देखना है एक्स को निकाल देना है y के टर्म्स में और चेक करना है कि वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं अब आगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है वन बाय एक्स माइनस वन और इसमें ये जरूर देखना है कि डिफाइंड कहां पे आर से आर डिफाइंड है ठीक y को लिया हमने अब x को निकाला y के टर्म्स में ठीक है अब फ्रॉम r टू r ये वैल्यू हर जगह डिफाइंड है सही है बट एक जगह पे सिर्फ एक जगह पे विच इज दट वाईज इक्वल टू जीरो दिस इज नॉट डिफाइंड है ना अगर वाई जीरो जाएगा तो, तो x डिफाइंड ही नहीं रहेगा हेंस दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन समझा है एक ही वैल्यू पे जब ये डिफाइन नहीं रहेगा तो उस वैल्यू पे एक भी अगर ऐसी वैल्यू है जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू बन जाएगा अब जो क्वेश्चन आते हैं अभी तक तो हम बस बेसिक समझ रहे थे कि वन वन क्या है ऑन टू क्या है, और ये सब जो क्वेश्चन आता है वो आता है दोनों का मिला के उसमें हमसे पूछा जाता है कि बताओ फंक्शन बाइजेक्शन है कि नहीं बाइजेक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो अगर दोनों होता है फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है तो उसको हम बाइजेक्शन कहते हैं तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा बताओ ये फंक्शन वन वन ऑन टू है कि नहीं बाइजेक्शन है कि नहीं और अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है इन दैट केस उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है वो सब अभी अपन क्वेश्चन थोड़ी सी देर में करते हैं तो अब क्वेश्चन में हमें आया वन वन ऑन टू तो अपन पहले वन वन निकालेंगे अपने को मेथड पता है कैसे करना है फिर अपन ऑन टू निकालेंगे अपने मेथड पता है है कैसे करना है, अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे ऑन टू on, है अब एक बार फटाफट ये जो क्वेश्चन सामने तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है ये करो वो समझ में आ गया तो अब ये वाला देखो इसमें हमने कुछ चेंजेस करे होंगे देखो हो रहा है कि नहीं और फिर उसके नीचे वाला भी करो देखो बताओ यहाँ पे हमारा फंक्शन का जो ये वाला पार्ट है ऑफ प्रूविंग वन वन ऑन टू ये खत्म हो जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा क्लास में और बता भी दूंगा आर डी शर्मा से बट अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन जैसे आपको अभी कुछ कुछ आप देखोगे ऐसी चीजें मिलेंगी एफ ओ जी f, एफ o जी एफ ओ एफ थिंग्स लाइक दिस हमें हमने एफ एक्स सीखा था अभी तक हमें पता है हम अगर एफ ओफ एक्स करके आगे कुछ लिख दे दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन इन एक्स ठीक है अब क्या हो जाएगा अगर मैं जीओ एफ बोलूंगा तो वो हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ब्रैकेट में एफ एक्स जहां पे x था अब वहां पे पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स डालना है ठीक है जहां पे x था जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हमें दिया हुआ एफ एक एक्स एक्स क्यूब और हमें दिया हुआ है जीएक्स थ्री एक्स प्लस वन ठीक है एफ एक्स दिया हुआ एक्स क्यूब जी एक्स दिया हुआ है थ्री एक्स प्लस वन दोनों आर से आर तक है अब मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स क्यूब ठीक बट अब x की जगह हमें डालना है gx व्हिच इज व्हाट 3x plus 1 तो हम डाल देंगे x की जगह 3x plus 1 का क्यूब फिर अपन g ऑफ fx भी निकालते हैं g ऑफ fx का मतलब है g है 3x plus 1 और उसमें x की जगह क्यूब डालना है तो क्या हो जाएगा क्यूब 3x³ plus 1 और जो ऐसा कि हम देख पा रहे हैं कि f -O g और g ऑफ f इक्वल नहीं होंगे अब जरा बात के दो एग्जांपल हैं तुम एक बार फटाफट करके देखो तो यहां जैसे हम देख रहे हैं एफ एक्स क्या था साइन एक्स क्या था एक्स क्यूब अब अगर हमें है, तो हम क्या करेंगे एक्स की जगह जीएक्स डाल देंगे जीएक्स के एक्स क्यूब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है तो हमें एक्स क्यूब था जीएक्स उसमें एफ एक्स डालना है मतलब एक्स की जगह मैं साइन एक्स डालूंगा तो साइन एक्स क्यूब विच इज साइन क्यूब एक्स ऐसे ही देखो अपना ये cos एक्स वाला है तो एफ ऑफ जी एक्स था एफ ऑफ टेन एक्स एफ एक्स क्या है मेरा जगह यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स निकालना है जी एक्स क्या है टेन एक्स एक्स की जगह डाल दो विच इज एफ एक्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले हैं इस ये वाले भी दोनों करके देखो एक बार फिर अपन डिस्कस करते हैं ठीक अभी कभी कभी क्या होता है सेट के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं हमें दिया हुआ है एफ फंक्शन है ए से बी तक ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया हुआ है ठीक है अब जो फर्स्ट वाला होगा वो एक्स है और वाई एफ एक्स है ठीक है अब जैसे अगर मानो मुझे यहाँ पे दे रखा होफ में वन के लिए हम वैल्यू देखते हैं तो देखो कभी कभी ये वाले क्वेश्चन आते हैं वन मार्कर में इस टाइप का आ सकता है एफ फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है एफ और जी उसमें है वैल्यूज वन टू थ्री फाइव फोर वन वन थ्री टू थ्री फोर फाइव वन इसमें बस ये समझ लेना जो पहला वाला है वो एक्स है और जो दूसरा है वो एफ ऑफ एक्स है और एफ ए इज इक्वल टू बी है मतलब अगर ये बी है एक्स ए है तो एफ ए इज इक्वल टू बी है ठीक है जैसे यहाँ पे वन है एक्स तो एफ वन क्या है टू थ्री है एक्स एफ थ्री क्या है फाइव ऐसे जी है वन एक्स सेवन जी वन क्या है थ्री ठीक है अब हमें बता बोलना बताना है जी ऑफ एफ एक्स निकालना है और हमें बोल रहा है जी ऑफ एफ ऑफ वन निकालना है ठीक है जी ऑफ एफ ऑफ वन जी ऑफ एफ ऑफ थ्री जी ऑफ एफ ऑफ फोर निकालना है अब एफ वन पे वैल्यू क्या है एफ वन है टू राइट एफ वन पे एक्स वन है तो एफ वन क्या हो गया टू मैंने कहा था ए अगर ये है तो एफ ए टू हो जाएगा राइट ए अगर वन है तो एफ वन क्या हो जाएगा टू तो यहाँ पे वैल्यू आ गई टू अब जी टू क्या है टू पे जी टू क्या हो गया जी एक्स क्या हो गया थ्री तो वैल्यू आ गई है थ्री अब ऐसे ही अपन ये थ्री के लिए देखते हैं जी ऑफ एफ थ्री एफ थ्री पे एफ थ्री पे एफ क्या है फाइव और जी ऑफ फाइव क्या है वन जी ऑफ फाइव जी फाइव पे क्या है वन फिर जी ऑफ एफ फोर देखना है तो एफ ऑफ फोर क्या है वन और वन पे जी क्या है थ्री तो यहाँ थ्री आ जाएगा तो ऐसे अपन मैप कर लेते हैं जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेट्स के फॉर्म में चीजें होती है वापस से एक बार इस चीज को समझ लेते हैं हमें एक सेट दिया हुआ है वन थ्री फोर बी एक सेट दिया हुआ है वन थ्री और उसके बाद हमें ऐसे ही एक एफ दिया हुआ है विच इज वन टू और फिर थ्री फाइव फोर वन और जी दिया हुआ है विच इज वन थ्री टू थ्री और फाइव वन ठीक है अब मैंने तुम्हें बोला कि जब भी ऑर्डिनेट कौड, कोऑर्डिनेट टाइप से अगर लिखा रहेगा वैल्यू तो उसमें फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स और दूसरी वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन में भी हम देखते थे एक्स कॉमा वाई होता था ना वाई क्या होता था जैसे एक्स मूव हुआ उसके रिस्पेक्ट में वाई क्या हुआ ऐसे यहाँ पे क्या है दो वैल्यू होंगी ए कॉमा बी विल बी माय वैल्यू जिस पे बी निकल रही है सो so, अगर एक्स ए है तो एफ एक्स बी हो जाएगा फंक्शन बी हो जाएगा ठीक है एक्स पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो बी हो जाएगी अब हमें इस केस में निकालना है जी ऑफ एफ वन थ्री और फाइव जी ऑफ एफ वन जी ऑफ एफ थ्री जी ऑफ एफ फोर निकालना है ठीक है अब जी ऑफ एफ वन निकालने के लिए पहले हमें एफ वन कहां से मिलेगा वन पे एफ वन की वैल्यू क्या है टू तो यहां पे मैं क्या रख दूंगा जी ऑफ टू अब वापस जाऊंगा जी ऑफ टू टू पे जी की वैल्यू क्या है जी एक्स की जी टू की थ्री तो आंसर क्या आ जाएगा थ्री ऐसे ही जी ऑफ एफ थ्री में देखूंगा कि थ्री पे एफ की वैल्यू क्या है फाइव तो वहां पे मैं डाल दूंगा फाइव अब जी फाइव ढूंढना है G5 के लिए मैं कहूंगा पे 5 की वैल्यू की वैल्यू क्या है वन तो वन आ जाएगा फिर ऐसे ही एफ फोर फोर ढूंढूंगा एफ फोर पे वैल्यू क्या है वन और जी वन की वैल्यू क्या है थ्री तो इस तरह से मैं ये वाले क्वेश्चन कर लेता हूं अब एक बार सिमिलर क्वेश्चन है इसको आप लोग निकाल के देखो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मेरा फंक्शन ऐसा हो जो वन वन भी हो जाए इन दैट केस दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव और वो फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है अब जैसे इस केस में देखो ये वाला फंक्शन दिया हुआ है इसका हमें इनवर्स निकालना पहले तो बताना है कि बाइजेक्शन है कि नहीं है तो इनवर्स निकालना है कैसे करेंगे इस वैल्यू को हम एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू डाल देंगे ऑन सॉल्विंग देखेंगे X1 X2 है, मतलब one -one है, उसके बाद ऑन टू के लिए क्या करेंगे ऑन टू है ऑन मतलब टू मतलब हो गया तो एफ इनवर्स वाई जो एक्स होगा वो ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो वाई की जगह एक्स डाल देना तो एफ इनवर्स एक्स निकल जाएगा इस तरह से इनवर्स वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं अब आज की क्लास में हमने थ्योरी पूरी खत्म कर दी है फंक्शंस की अगली जो क्लास होगी विच इज ऑन जो होगी उसमें अपन पढ़ाएंगे आगे का पार्ट जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बोथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एज़ वेल एज वन वन ऑन टू और इनवर्स निकालना है और उन्हीं क्वेश्चंस में से सब कुछ आएगा अभी ये सारे नोट्स तुम लोग बना लेना अपने पास और इसको ढंग से अपने पास संभाल के रखना इसी से पढ़ना और बाकी जो क्वेश्चंस परसपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट है वन मार्कर और बड़े वाले में वो सब मैं करा दूंगा अगली क्लास